के हर बुजुर्ग का, हर माताओं का, मेरे नौजवान बहनों भाइयों का, सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके सहयोग और समर्थन से जब मैं लोकसभा तक पहुंचूंगा तो मैं इस क्षेत्र के लोगों में कि जितनी संभव हो सकती है अपनी संपूर्ण क्षमता लगाकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। सेवा में कतई मैं प्रयास करूंगा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना उनकी उम्मीद को कभी जीवन में ना उम्मीदी में ना बदलने दूं, मेरा ये प्रयास होगा। जहां मुझे आजमगढ़ की तरक्की, विकास, खुशहाली का ध्यान रखना है, वहीं मेरे सामने वो चेहरे जो चेहरे बड़ी उम्मीद लगा के भोर से लेकर रात तक कसरत करते दौड़ते हुए फौज की, जो भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा का एक जो सबसे गौरवशाली सेवा है फौज की, उस फौज के लिए मैंने अपने आंखों से नौजवानों को देखा है कि भोर से लेकर रात तक वो प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्र की सरकार ने जिस तरह सेना की भर्ती के लिए अग्निपथ के नाम से जो योजना लाए हैं, भर्ती की प्रक्रिया लाए हैं, उस प्रक्रिया का न केवल मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी पार्टी न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि समाजवादी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ इस योजना को वापस कराने का प्रयास करेंगे। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं आजमगढ़ के नौजवानों से कि अगर आपने मौका दिया तो लोकसभा के अंदर इस योजना को खत्म करने के लिए, इस योजना को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। लड़ाई कोई केवल रस्मी अदायगी की नहीं होगी, लड़ाई निश्चित तौर पर जिस तरह किसान आंदोलन में, किसानों के आंदोलन ने जो भारत सरकार को मजबूर किया किसान बिल वापस लेने का, उसी तरह से भारत सरकार को ये नियम और कानून भी वापस लेना पड़ेगा। मैं उसमें एक बहुत मजबूत सिपाही के तौर पर नौजवान साथियों मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, ये मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं इस मौके पर अपने सभी मतदाता साथियों से अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। साइकिल का निशान जो माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी के निशान है, उस निशान की हमेशा आजमगढ़ के लोगों ने सम्मान भी रखा है, वो समाजवादी झंडे को बुलंद भी रखा है। मैं उम्मीद करता हूं फिर से आजमगढ़ के लोग अपने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने इस सिपाही को मौका देंगे और मुझे अपनी सेवा का अवसर देंगे। मैं बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।